हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल सभी टेरेस गार्डन। और देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट फ्लावर प्लांट शेयर करने आ रहा हूँ। इस प्लांट को फ्रेंड्स कौन नहीं जानता। इस प्लांट का नाम है मैरीगोल्ड। और देखिए फ्रेंड्स, कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स आ रहे हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये अभी पूरी तरीके से क्ले भी नहीं है। ये देखिए अभी आधे ही आधे क्ले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें और भी लगे हैं। इसमें दो तरह की वैरायटी के हैं फ्रेंड्स। एक तो ये फुल वाले हैं, ये एक फूल जी है, और एक ये हैं फुल वाले, ये और जी अलग उसके हैं। देखिए फ्रेंड्स, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं। देखिए इनमें चींटियाँ कैसे, वो इसका एंड फूल में चींटियाँ भी आई हैं। इतनी अच्छी खुशबू है फ्रेंड्स ये। और एक जी है फ्रेंड्स इस तरफ है, ये एक थर्ड प्लांट। इसमें ये सिंगल पेटल का ही है, देखिए सिंगल पेटल वाला प्लांट है फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं आपके साथ इसकी केयर शेयर करूँगा फ्रेंड्स। देखिए इसके इतने बड़े फ्लावर्स लेने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है और कौन सा खाद डालना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा फ्रेंड्स। देखिए तो इसमें मैंने जो फर्टिलाइज़र डाला वो चावल का फर्टिलाइज़र डाला था फ्रेंड्स। चावल जो हमारे घर पे बनते हैं उन्हें धोने के लिए जो हम पानी यूज़ करते हैं, उस पानी को अगर हम फेंके नहीं, स्टोर कर लें और 10-11 दिन बाद उसे 10-11 दिन बाद उसे यूज़ करेंगे, उसमें और 5% पानी मिला के उसमें उसे डालें। फ्रेंड्स हर बंदे ने फ्रेंड्स सॉरी, वो मेरा छोटा भाई मुझे परेशान कर रहा है, वीडियो नहीं बनाने देना, इसलिए उसे इग्नोर करना थोड़ा। तो हम हाँ, तो इसकी हर 15 दिन बाद इसकी गुड़ाई करते रहना, जिससे इसमें खाद डालना। खाद इसमें हमें वर्मी कंपोस्ट डालनी है, जिससे कि प्लांटों को पूरी न्यूट्रिशन मिले। देखिए और फ्रेंड्स, ये जो इसमें ये बीच में लगा है, ये प्लांट अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने इस नर्सरी से लिया था, उसमें ब्लू वेल नाम बताया था इसका, लेकिन ये वेल तो नहीं है फ्रेंड्स। ये तो मुझे पता है कि ये ब्लू वेल नहीं है, तो मुझे अभी इसका नाम नहीं पता और अभी तक इसमें फ्लावर भी नहीं आया फ्रेंड्स। अगर आप में से किसी को इसका नाम पता हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें मुझसे, कमेंट में बताएं मुझे। और बस इसी के साथ अब वीडियो को बंद करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।